सभी बच्चे ऐड हो गए चले बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया तब तक आप रिवीजन कर लीजिए एक बार बढ़िया तरीके से थोड़ा सा वेट करिएगा बस थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करिए बेटा बस थोड़ा सा वेट और करिएगा जब तक आप एक बार रिवीजन कर लीजिए ठीक है रिवीजन कर लीजिए बस थोड़ा सा वेट और करिए सभी बच्चे आ गए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा सभी बच्चे कमेंट में आ जाइए कमेंट सेक्शन में आ जाइए बेटा फटाफट आइए कमेंट सेक्शन में आवाज आ रही है बहुत बढ़िया चलिए बताइए जब तक अगर एक्टिव का टेंस इज एम आर में हो तो पैसिव किसमें बनेगा बताइए फटाफट एक्टिव का टेंस अगर इज एम आर में हो तो पैसिव किसमें बनेगा जल्दी कमेंट करिए ये किसमें बनेगा एक्टिव का टेंस अगर इज एम आर में हो तो किस किसमें बनेगा बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया आगे बताइए अगर एक्टिव का टेंस की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस में है, तो किस में बनेगा जल्दी बताइए चलिए देखिए आज अपन देखेंगे एसएससी में टाइप नंबर फाइव टाइप नंबर फाइव की अगर अपन बात करें तो टाइप नंबर फिफ्थ कौन सा जाएगा बेटा टाइप नंबर फिफ्थ रहेगा अपना इंपेरेटिव कौन सा रहेगा इंपेरेटिव और इंपेरेटिव की बात करें तो यहाँ पहले बॉयज को देखें बॉयज कितने प्रकार के होते हैं दो एक होता है एक्टिव और दूसरा क्या होता है पैसिव एक एक्टिव एक होता है तो दूसरा क्या होता है पैसिव एक्टिव और पैसिव बनाते समय सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं आवश्यकता पड़े तो बींग का प्रयोग करेंगे बर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं बाय का और यहाँ जो बींग की जरूरत पड़ेगी वो कब पड़ेगी वो भी मैं बताता हूँ आपको रूल नंबर फर्स्ट सेकेंड रूल नंबर की अगर अपन बात करें तो रूल नंबर सेकेंड में अपन बात करें तो रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करता है और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेगा सब्जेक्ट में यानी अगर आपके पास आई है तो आई का क्या होगा मी और मी का क्या होगा आई वी का एस तो एस का वी यू का यू तो यू का यू दे का देम तो देम का दे ही का हिम तो हिम का हिम और सी का अर्थ तो अर्थ का क्या होगा सी इट का इट होगा तो इट का इट और नेम का नेम रहता है तो नेम का नेम रहता है। क्या होता है कि जब सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी किस में चेंज होगा सब्जेक्ट में चेंज होगा ठीक है चलिए आगे अगर अपन बात करें तो अगला जो रूल लिखा हुआ है वो आपका कंप्लीटली किस पर रहेगा बर्व पर ये किस पर रहेगा आपको एक बात समझना होगा कि अगर आपको एस एस निकालना है आपको सबसे मेन बात क्या समझना है कि अगर आपको एस एस सी निकालना है तो एस एस सी निकालते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ये वर्ब जो है वो कम्प्लीटली याद रखना है कम्प्लीटली कैसे याद रखना है कि बर्ब अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस में हो तो पैसिव फॉर्म किस में जाएगा इज एम आर में अगर एक्टिव इज एम आर में है तो पैसिव किस में जाएगा इज एम आर में ही जाएगा साथ में किसका प्रयोग करेंगे बिंग का किसका प्रयोग करेंगे बिंग का इसके बाद बात करें कि अगर एक्टिव का टेंस एज और एव है तो पैसे किस में जाएगा एजबिन और एफ बिन में यानी एक्टिव से जब अपन पैसे बनाते हैं तो ये आगे के टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लेता है किसको लेता है आगे के टेंस के हेल्पिंग वर्ब को अगर एक्टिव का टेंस एसबिन और एफ बिन में है तो ये किस में बनेगा नो no चेंज में रहता है एक्टिव का टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड में होगा तो ये किस में जाएगा वॉज या बर में एक्टिव का टेंस अगर वॉज और बर है तो ये किस में जाएगा वॉज और बर प्लस साथ में क्या जाएगा बींग अगर एक्टिव हेड में है तो पैसिव किस में बनेगा हेडबिन में हेडबिन का क्या रहता है बेटा नो चेंज तो ये टेंस नहीं बनेगा हटा दीजिए अब यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में अपन देखें तो बिल और सेल तो बिल और सेल का क्या होगा बिल भी और सेल भी ठीक बिल भी और सेल भी का क्या रहता है नो चेंज बिलेब और सेलेब का क्या होगा और, और बीन बीन का रहता है? No तो कुल अगर हेल्पिंग वर्ब में दिया हुआ है तो टेंस किस में जाएगा इसमें चेंजेस होगा अगर टेंस प्रेजेंट में है, तो किस में जाएगा पास्ट में जाएगा या अपन कह के टेंस अगर प्रेजेंट वर्ग में है तो ये किस में जाएगा पास्ट में जाएगा ये किस में जाएगा पास्ट में जाएगा किसमें जाएगा पास्ट वर्ब में ठीक है किसमें जाएगा पास्ट में तो यहां पर ये यह हो गया सबसे आपको जरूरत है इस तरीके से याद रखने का जब आप इस तरीके से याद रखेंगे तब कहीं जाकर आपका काम बनेगा चले आज का जो अपना रूल है वो क्या है टाइप नंबर फाइव और टाइप नंबर फाइव में अगर अपन बात करें तो ये क्या रहेगा इम्पेरेटिव ये क्या होने वाला है इम्पेरेटिव ठीक है ना ये क्या बनेगा अपने लिए इम्पेरेटिव इंपेरेटिव में अगर अपन बात करें ये लिखकर अपन इंपेरेटिव इम्पेटिव का मतलब होता है एक ऐसा जो verb की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसमें क्या आता है ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसा सेंटेंस जो verb की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं इंपेरेटिव इंपेरेटिव के बेटा अलग अलग रूल है और आपको बहुत अच्छे से समझ कर चलना पड़ेंगे ठीक है अगर इम्पेटिव में एक्टिव का टेंस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में दिया है तो पैसिव किस में रहेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अपन क्या लिखेंगे बी ई बी और फिर बर्फ की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसेव में हमेशा बर्फ की थर्ड फॉर्म आती है पैसेव में कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आती है ठीक है ना अगर अपन दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल मान के चलिए कि एक्टिव का टेंस खुद लेट से स्टार्ट हो जाए तो आप याद रखिएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट हो गया फिर बर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया जब आप इसी को पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक्टिव से जब अपन पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो लेट को तो अपन लेट ही लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट सेकेंड होता है वो पहले आ जाता है ये लिखा अपन है ऑब्जेक्ट सेकेंड फिर इसके बाद लिखेंगे बी ई बी verb के थर्ड फॉर्म फिर अपन ने लिखा बाय और बाय के बाद पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं ये लिखा अपन ने पहला वाला ऑब्जेक्ट ये बना हुआ रूल लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड फिर बी ई बी फिर verb के थर्ड फॉर्म फिर बाय और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा ठीक है तीसरी अगर अपन बात करें कि मान लीजिए कि एक्टिव का टेंस खुद कैसा हो जाए कि नेगेटिव में चला जाए ये किस में आ जाएगा नेगेटिव में अब नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव में क्या आ जाता है डोंट आ जाता है क्या आ जाएगा डोंट डोंट प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब इसका जब अपन पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी फिर बर्फ की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म यानी क्या करना है पहले वाले में और दूसरे वाले में अगर, अगर अपन मैच करें तो सिर्फ इतना अपन को देखना है कि नॉट लगाना है क्या लगाना है नॉट तीसरा इसके बाद अगर अपन अगले रूल की बात करें फोर्थ पर बात करें तो फोर्थ में क्या होगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो लिखा होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके साथ में आपको क्या मिलेगा प्लीज और काइंडली ए बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस के साथ में आपको क्या मिलेगा प्लीज या काइंडली प्लीज और काइंडली जो होता है ना वो लिखा हुआ होगा ये कैसा होता है लिखा हुआ होता है लिखा हुआ आता है ये कैसा आता है लिखा हुआ आता है अब प्लीज और काइंडली जब लिखा हुआ आएगा तो आपको इसका क्या बनाना है पैसे बनाना है जब अपन प्लीज और काइंडली का पैसे फॉर्म बनाएंगे तो आपको प्लीज और काइंडली हटा देना उसकी जगह आप क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू यानी किसका ऑप्शन आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद बचा हुआ बर्फ के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जैसा का जैसा आपको आपको देना है और और के बाद बाद क्या लिखना ठीक इसके अगर अपन यहां बात करें कि ये लिखा अब एडवाइस में क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ सेंटेंस लिखा बर्फ के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या लिखा बर्फ के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस को पढ़ने से अपन को ऐसा लगता है जैसे अपन किसी को एडवाइस दे रहा है क्या दे रहे हैं सलाह दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं सेंटेंस पढ़ने से आएगा ये कैसा आएगा पढ़ने से आएगा अगर बर्फ प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है इंपेरेटिव का उसको पढ़ने से अपन को ऐसा लगता है कि जैसे अपन किसी को क्या एडवाइस दे रहे हैं सलाह दे रहे हैं तो जब अपन पैसे फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यू आर एडवाइस टू और बचा हुआ सेंटेंस जैसा का जैसा रखेंगे आप देखिए उसके साथ में और भी लगा हुआ है इस और का मतलब है या तो आप इस तरीके से बना दो तो आप इसको टिक लगा सकते हो ठीक है ना सिक्स में अगर, अगर अपन बात करें तो ये लिखा अपन ने बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस लिखा है और उसे अपन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपन किसी को आज्ञा दे रहे हैं या अपन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं आज्ञा मतलब किसी को ऑर्डर दे रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ अब ये सेंटेंस कैसा है गेट आउट फ्रॉम यार तो अपन किस क्या कर रहे हैं सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं जब सेंटेंस में ऐसा महसूस हो कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो सेंटेंस किस में बनाओगे यू आर ऑर्डर्ड टू और बचा हुआ सेंटेंस जैसा का जैसा ठीक है तो यहां पर अपन एक बार और समझ लेते हैं मैं चाहता हूं कि इसको एक बार समझने से एक बार और समझेंगे तो उससे पहले आप स्क्रीन कर लीजिए ये आपके काम आने वाला है स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर से समझेंगे अपन कि अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में हो तो पैसे किस में बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और मान लीजिए कि अगर एक्टिव का टेंस खुद लेट सेंटेंस से स्टार्ट हो जाए तो वो भी लेट से ही बनेगा डबल ऑब्जेक्ट आएंगे तो पहला वाला लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला पहले आ जाएगा इसके अलावा अगर इम्पेटिव का टेंस खुद निगेटिव हो जाए तो आप पैसे भी निगेटिव रखोगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बर्फ की थर्ड फॉर्म इसके अलावा मान लीजिए कि ये सेंटेंस लिखा है बर्फ की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाए प्लीज़ ओ काइंडली तो आपको क्या करना है प्लीज़ काइंडली हटा देना है प्लीज़ और काइंडली हटाकर आपको क्या लिखना है वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख कर क्या लिखोगे की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये लिखा अपन है ने वर्फ की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस को पढ़ने से अगर अपन को ऐसा लगता है कि जैसे अपन सामने वाले को एडवाइस दे रहा है तो अपन क्या लिखेंगे यू आर एडवाइस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या फिर आप इस बी वाले ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी या फिर आप बी तरीके से बना सकते हो शुड सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये भी बन सकता है अगर यहां बात करें कि सेंटेंस लिखा है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप क्या लिखोगे यहां पर आज्ञा यानी आज्ञा दे रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं ऑर्डर अगर अपन दे रहे हैं तो क्या लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस बर्फ की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक बात याद रखिएगा प्लीज और काइंडली आपको गिवन होगा प्लीज और काइंडली आपके लिए क्या होगा गिवन होगा लेकिन अपन एडवाइस और ऑर्डर की बात करें ये गिवन नहीं होगा ये आपको सेंटेंस पढ़कर पता करना पड़ेगा कि भाई इसमें एडवाइस दी जा रही है या फिर इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है इस बात सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आप सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हो या नॉर्मल बात कर रहे हो सब समझ में आएगा चलिए आगे बढ़ा जाए देखें अगर सेंटेंस को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो कुछ एग्जाम्पल के तरीके से अपन समझ सकते हैं जैसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा ओपन द और ये मैंने लिखा गेट ओपन द गेट ओपन क्या हो गया बर्फ की फर्स्ट फॉर्म द गेट क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट अब अपन को इसका पैसे बनाना है तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे लेट फिर इसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास द गेट इसके बाद क्या लिखेंगे बी और बी के बाद बर्फ की थर्ड फॉर्म तो बर्फ की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे ओपन क्या लिखोगे ओपन ये बन गया आपका दूसरे सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने लिखा ये लिखा डोंट ओपन द और ये मैंने लिखा बुक ठीक अब डोंट लिखा है तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा नेगेटिव यानी पैसे भी हमें नेगेटिव में ही बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे लेट फिर क्या लिखोगे द बुक और इसके बाद नॉट और ये बी और इसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ओपन ये हो जाएगा ओपन ये बन गया आपका ठीक यहां अगर अपन बात करें तो सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा लेट मी ओपन द और ये मैंने लिखा बुक यहां बात करें तो ये मी जो लिखा है ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट ओपन क्या बर्फ फर्स्ट फॉर्म द बुक हमारे लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट सेकंड अब लेट का लेट से ही बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट सेकंड ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो क्या लिखोगे द और ये लिख का बुक फिर क्या लिखोगे बी ठीक अब यहां पर थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा ओपन Open का ओपेंड और ये बाय बाय के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा तो ये लिख का अपन में क्लियर हो रहा है फिर अगर अपन आगे बात करें तो ये लिख का अपन अगला क्वेश्चन ये लिख प्लीज प्लीज कम और ये लिखा हेयर अब यहां पर क्या लिखा है प्लीज कम येयर तो ये प्लीज की जगह पर अपन क्या लिखेंगे यू आर और ये लिखकर रिक्वेस्टेड यू आर रिक्वेस्टेड टू अब यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस जैसा का जैसा ये प्लीज अट जाएगा अच्छा क्योंकि इसी की जगह अपन ने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा है बचा हुआ सेंटेंस क्या हो जाएगा कम और ये लिखा है ये बन गया ठीक इसके बाद अगर अपन ने आगे बढ़े तो अपन ने लिखा वॉक और ये लिखा स्लोली ठीक है ना वॉक वॉक और ये लिखा अपन अपन ने स्लोली स्लोली किसी से कह रहे हैं इसका मतलब वॉक स्लोली हो रहा है तो अपन क्या दे रहे हैं सामने वाले से क्या कह रहे हैं धीरे चलिए अब हम कह रहे हैं धीरे चलिए इसका मतलब हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं एडवाइस सेंटेंस के माध्यम से अपन क्या दे रहे हैं एडवाइस जब अपन सामने वाले को सेंटेंस के माध्यम से एडवाइस दे रहे हैं तो क्या लिखोगे यू आर यह लिखकर यू आर ये लिखकर अपन एडवाइस टू और इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस जैसा का जैसा लिख लिखकर वॉक स्लोली आ गया फिर अपन अगला क्वेश्चन जैसे लिखा और ये मैंने लिखा गेट आउट फ्रॉम ईयर गेट आउट फ्रॉम और ये अपन ने लिखा है यहाँ से चले जाओ अगर अपन कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ तो सामने वाले को क्या दे रहे हैं एट ऑर्डर ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या लिखोगे बेटा यू आर और ये लिख अपन ने ऑर्डर्ड टू और इसके बाद क्या जाएगा गेट आउट फ्रॉम और ये लिखा है ये क्या गया गेट आउट फ्रॉम एयर यानी आपको सेंटेंस में इस बात को समझना है कि जैसे मैंने कहा प्लीज आ गया तो प्लीज की जगह अपन ने केवल क्या किया है यू आर रिक्वेस्टेड टू बचा हुआ सेंटेंस जैसा का जैसा यहाँ स्लोली अब स्लोली अगर अपन किसी से करें धीरे चलिए तो सेंटेंस से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अपन सामने वाले को क्या दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं और सामने वाले को अगर एडवाइस दे रहे हैं तो सेंटेंस किस में जाएगा यू आर एडवाइस टू और टू के बाद आप देखिए बचा हुआ सेंटेंस जैसा का जैसा लिख दीजिए ये बचा हुआ सेंटेंस तो आएगा ही आएगा पर उसके मीन्स के लिए अपन क्या लिखते हैं यू आर एडवाइज टू आपको सलाह दी जाती है कि धीरे चलिए ठीक है ठीके? जैसे अपन ने लिखा गेट आउट फ्रॉम यर अब सेंटेंस को अपन ने पढ़ा गेट आउट फ्रॉम यर यहां से कैसा लग रहा है जैसे अपन सामने वाले को क्या दे रहा है ऑर्डर दे रहा है तो सेंटेंस क्या लिखोगे यू आर ऑर्डर टू आपको ऑर्डर दिया जा रहा है ठीक है आप यहां से चले जाइए तो सेंटेंस जो है वो तो बनेगा ही बनेगा वो तो आएगा ही आएगा पर ऑर्डर देने के लिए आपको अलग से लिखना पड़ता है यू आर ऑर्डर टू एडवाइस देने के लिए आपको लिखना पड़ता है यू आर एडवाइस टू और आप रिक्वेस्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट करिए फटाफट चलिए आगे बढ़े आगे अब अपने ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएंगे आपको आंसर आते चले कमेंट बॉक्स भर दीजिए आंसर से कॉन्फिडेंस बढ़ाइए आप अपना और कमेंट सेक्शन जो है आप अपने आंसर दे, देने से भर दीजिए और जब आप आंसर देंगे और वो सही निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ठीक है ना चलिए सभी बच्चे ऑप्शनल आ जाइए चले आगे आ जाए पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं बताइए आप एस एस सी में जाना, जाना चाहते हो और एस एस सी कर रहे हो तो पहला आंसर आपसे शुरुआत करते हैं मैंने आपको समझा दिया बताइए पहले का आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में पहले का आंसर क्या होगा पहले का आंसर पहले का आंसर क्या आ गया किसी ने नहीं दिया अभी आंसर अरे काफी टाइम लग रहा है आपको आंसर में ऐसे कैसे एसएससी सी कंप्लीट कर पाओगे क्लोज द डोर क्लोज द डोर का बताइए क्या रहेगा का बहुत बढ़िया ठीक है सिक, आ, साक्षी कुशबा बहुत बढ़िया सिका सूर्यवंशी बहुत बढ़िया पहले का पहला संजय थर्ड आर्यन भदौरिया पहला साक्षी पहला आंसर ठीक है सुजल पहला आर्यन लिख रहे हैं कि पहले का पहला ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहले का पहला है कि दूसरा है तीसरा है चलिए देखते हैं ये लिखा है क्लोज द डोर ठीक है ना अब आपको पता है कि हेल्पिंग बार वगैरह तो आती ही नहीं हटा दीजिए तीसरा और चौथा हट हाँ गया पहला और दूसरा बचा है तो लेट देखिए बी नहीं आया है बी नहीं आएगा थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो आंसर क्या होगा पहला, पहला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहले का पहला चलिए दूसरे का आंसर दीजिए फटाफट दीजिए आंसर काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स का आंसर बताइए Kindly ऑफर योर रिमार्क्स आंसर देते चलिए आंसर देते चलिएगा अब आपको पता है काइंडली की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं काइंडली की जगह अपन क्या लिखेंगे यू आर और ये लिखकर रिक्वेस्टेड टू ठीक है ये डूढ़ी यू एप भी नहीं होगा वर नहीं होता आर आता है तो ये भी नहीं होगा यू आर के साथ बींग नहीं आता तो आंसर क्या होगा थर्ड देखिए पढ़ने की पूरे सेंटेंस की भी जरूरत है ऑप्शन जो दिए वो भी ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं जो कोई भी मैच नहीं करते हैं अब मैच ही नहीं कर रहे हैं जो मैच कर रहा हैं आंसर पहला वाला है बिन दे दिया दूसरे वाले में वर लगा दिया चौथे वाले में बिंग लगा दिया हमें बिंग की जरूरत ही नहीं है तो कहाँ जरूरत पड़ी है इतने ज़्यादा डीप जाने की आंसर आ गया डीप तब जाइए जब सेंटेंस दोनों ऑप्शन में फंस जाए तो डीप जाया जा सकता है और अगर ऑप्शनल नहीं फंस रहा है तो डीप जाने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो जाना डीप जाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से चलिए आगे बढ़ा जाए बताइए अगले का आंसर बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा थर्ड का आंसर दीजिए बताइए फटाफट थर्ड का आंसर बताइए आंसर अगर अपन बात करें तो ये लिखा है पेंट और ये लिखा है द विंडोज ठीक है ना तो अब आपको पता है किससे बनेगा लैट से ये विंडोज विंडोज का हटा दीजिए लेट और ये लेट विंडोज का विंडोज हटा दीजिए लेट भी नहीं आएगा ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास विंडोज तो यहां पर ये भी आंसर नहीं होगा आंसर क्या होगा सेकेंड आंसर क्या कहलाएगा लाएगा सेकेंड कॉल द पुलिस एट वंस पुलिस को बुलाया जाए तो देखिए अगर हम कह रहे पुलिस को बुलाया जाए तो यहाँ पर सेंटेंस किससे बनेगा लेट से बनेगा ये दोनों की बात करें तो ये किससे बना है दा से तो ये हटा दीजिए आपको बेटा एसएससी अगर निकालना है एसएससी सीजीएल की अगर अपन बात करें 2024 तो एसएससी सीजीएल ठीक है मैं बात करूं 2024 के लिए ही नहीं मैं बात करूं पूरे एसएससी के लिए तो एसएससी एक ब्रांड है अपने आप में एक लेबल है इंग्लिश वही है जिस इंग्लिश को आप सीखते आए हो पर हर चीज़ का एक लेवल होता है ठीक है ना जैसे हर चीज़ में एक लेवल है जैसे बाइकों में एक लेवल है भाई किसी के कोई डिलक्स है डिलक्स अपनी जगह पर है अपाची अपनी जगह पर है पल्सर अपनी जगह पर है कार सब एक जैसी लगती हुई आपको नहीं उनमें भी अंतर होता है कोई लग्जरी होती है ठीक है कोई नॉर्मल होती है किसी का कुछ माइलेज होता है तो उनमें भी तो भाई कोई अगर कोई मान के चलिए कि कोई फॉर्चुनर से चल रहा है तो उसका रुतबा जाना होगा कोई स्कॉर्पियो से चल रहा है उसका रुतबा जाना होगा कोई अगर स्विफ्ट से टेंडर्ड से चला है तो उसका कम रुतबा होगा तो लेवल ही तो बड़ा कार वो भी है कारचे भी है तो इंग्लिश जो आप सीखते आ रहे हो इंग्लिश वही है बस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया आपको एस एस सी में आना है तो लेवल संभालना है लेबल संभालना है तो आपको क्या है वहाँ पर जाकर क्वेश्चन बनाना नहीं है आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर की तरह मैं क्वेश्चन बनाऊँ आप कभी एस एस सी नहीं निकाल पाओगे अगर आपको एस एस सी निकालना है तो आपके दिमाग में ऑप्शन चलना चाहिए ये कॉल द सर्वेंट है इंपेरेटिव हो गया और इंपेरेटिव लेट से स्टार्ट होता है और ये दोनों तो ऑप्शन हट गए अब बच्चा पहला चौथा ये लिखा लेट द पुलिस बी और ये देखिए लेट द पुलिस बी आता है और इसमें बी दे ही नहीं रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा आंसर क्या होगा पहला ये एक्यूरेसी होना चाहिए ये तरीका होना चाहिए आपके करने का जो आंसर आते जाए उनके जो आंसर आते जाए उन्हें कमेंट बॉक्स बॉक्स में देते रहिएगा ठीक है ना चलिए टेक द मेडिसन आप लोग बताइए फिफ्थ का आंसर क्या होगा टेक द मेडिसन टेक द मेडिसन का आंसर बताइए क्या होगा देखिए टेक द मेडिसन का क्या होगा लेट से स्टार्ट होगा ये दोनों द मेडिसन दिन हटा दीजिए और ये यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द भाई लेट द मेडिसन बी टेकन यहां पर रिक्वेस्टेड की बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए था प्लीज या फिर क्या होना चाहिए था काइंडली या तो ये प्लेस होना चाहिए या फिर ये क्या होना चाहिए था कांडले तो रिक्वेस्टेड आता है प्लीज वो कांडले नहीं है तो ये हटा दीजिए आंसर क्या कहलाएगा पहला आंसर क्या हो गया फर्स्ट होगा कि नहीं होगा चलिए आगे आ जाए कीप द ऑर्डर अगर कीप द ऑर्डर है तो यहां पर क्या लिखेंगे द ऑर्डर वाज गिवन लेट द ऑर्डर बी गिवन लेट द ऑर्डर बी गिव बी लिखा है गेप क्या है बर्फ की सेकेंड फॉर्म हमें सेकेंड फॉर्म नहीं चाहिए होती. हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? है की तो तो ये ये गया गया. गया? और ये पहले ठीक ना? तो आंसर क्या गया? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देते कमेंट में. चले, बहुत बढ़िया इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ लेट द विंडो बी ओपन अब लेट द विंडो बी ओपन है लेट हो गया विंडो क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया लिखकर ओपन द के वर्ब के प्लेटफार्म इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है पैसिव है ऑलरेडी क्या है पैसिव अगर ये पैसिव है तो अपन को इसको किस में ले जाना है एक्टिव में किस में ले जाएंगे एक्टिव में ये क्या लिखा है विंडो और ये क्या लिखा है वर्ब तो हमें पता है इंपरेटिव किससे स्टार्ट होता है वर्ब से तो क्या लिखोगे ओपन द और ये लिखा विंडो ये क्या हो जाएगा ओपन द विंडो ये हो गया अब इसको मैच कर लीजिए ओपन द विंडो पहला वाला विंडो भी ओपन ये सब हटा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा केवल पहला वाला ये तरीका होना चाहिए एसएससी को करने का ठीक है एसएससी अपने आप में क्या है? एक एक तो है तरीका ये चाहिए एस के लिए ये मत सोचिएगा कि एसएससी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपको लगे कि कैसे निकालेंगे भाई देखिए अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो भी एक इंसान ही निकालते हैं और आराम से निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं है बस आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है स्विच ऑन द बल्ब तो लेट द बल्ब ही स्विच ऑन द बल्ब स्विच देखिये लेट से बनेगा ये तो हो ही नहीं सकता लेट द बल्ब बी नहीं आया बी आना जरूरी है हटा दीजिए आंसर क्या क्या लाएगा पहला आंसर क्या क्या लाएगा ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन ऑलरेडी किसमें आए हुए हैं? एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्लीज हेल्प द डाउन ट्रोडन चलिए मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग आंसर इस, आप लोग दीजिए ठीक है इसका आंसर आप लोग दीजिए उंट्रोडन आप लोग दीजिए इसका आंसर क्या आएगा आंसर बताइए फटाफट आंसर नाइन का बताइए नाइन का क्या होगा साक्षी नाइन का पहला बता रही है। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए यहां पर क्या लिखा है प्लीज और आपको पता है प्लीज का क्या होता है रिक्वेस्टेड तो ये दोनों में तो रिक्वेस्टेड है ही नहीं है फोर्थ होगा नहीं तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट ये है आपका एसएससी ये क्या है एसएससी सीजीएल ऐसा मत सोचिएगा कि आंसर जो है वो बहुत सरल लिए हुए हैं या ये सब इस भ्रम में मत रहिएगा इस भ्रम में मत रहिएगा कि टीचर ने सिंपल सिंपल लिखे होंगे ऐसा कुछ नहीं है जो भी बच्चे एसएससी एसएससी कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सिंपल सिंपल है तो आप अपने किसी भी क्वेश्चन देखिए नेट से निकला हुआ नहीं होना चाहिए नहीं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई क्वेश्चन डाल दो आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपलोड कर दीजिएगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा विद एनालिसिस ठीक है आपको समझा भी दिया जाएगा कि क्यों क्यों ऐसा हुआ कहां से उस क्वेश्चन कैसे बनेगा ऐसा कुछ भी नहीं कि सरल है ये सब एस एस सी में ऑलरेडी आए हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता है जब टीचर कराता है क्वेश्चन जो होता है वो सरल लगने लगता है और यही क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आ जाता है आपके एस एस सी में तब तो हमको लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है तरीका वो नहीं बात ही होती है कि वहाँ जो एटमॉस्फेयर होता है कहीं ना कहीं हम उससे घबरा जाते हैं और फिर दूसरी बात आपको सौ क्वेश्चंस करना है हंड्रेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है इना या विद इन सिक्सटी मिनट्स विद इन सिक्सटी मिनट्स तो आप इसलिए भी आपको मैथ भी करना है इस सिक्सटी मिनट्स में आपको मैथ का भी मैथ भी सॉल्व करना है आपको रीजनिंग भी सॉल्व करना है इसके बाद इंग्लिश भी सॉल्व करना है आपको जीएस एंड जीके भी सॉल्व करना है ठीक है करंट अफेयर भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो कहीं कही ना कहीं अगर, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो और बन जाता है एटमॉस्फेयर जो बन जाता है वो एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या डर पैदा कर देता है ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो यहाँ पर ये यह तीनों आंसर आप देख लीजिए देखते ही क्या मट गए हटे के नहीं देख ठीक है दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आए हुए ने आए हुए ही है चलिए अगला देखिए गिफ्ट ऑर्डर तो गिफ्ट ऑर्डर का क्या बनेगा द ऑर्डर से स्टार्ट नहीं होगा हटा दीजिए लेट द ऑर्डर भी अब ये बर्फ की कौन सी फॉर्म है सेकंड हमको बर्फ की कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म तो सेकंड हटा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला ये हो गया आंसर ये सभी सिंपल है और ये सब एसएससी में ऑलरेडी पूछे हुए हैं आगे बढ़ा जाए देखें लेट हिम फिनिश द वर्क ये लिखा है लेट हिम फिनिश द वर्क लेट हिम फिनिश और ये लिखा है द वर्क अब आपको पता है डबल ऑब्जेक्ट आ गया डबल ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या करेंगे लेट ये ऑब्जेक्ट सेकंड है इसको क्या करेंगे पहले और ये ऑब्जेक्ट क्या फर्स्ट है इसको कहां ले जाएंगे लास्ट में ठीक है तो लेट द वर्क इसमें तो पहले वाले का कोई काम ही नहीं है तो हटा दीजिए दूसरे वाले को रोक के चलिए तीसरे वाला द वर्क वाज वॉज नहीं चाहिए में कभी नहीं तो हटा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर क्या होगा सेकेंड लेट द दर्क बी फिनिश्ड बाय हिम हिम इधर आ जाएगा बर्क इधर चला जाएगा तो आंसर क्या कहलाएगा लाएगा सेकेंड आंसर क्या होगा सेकेंड इन्फॉर्म द पुलिस इन्फॉर्म द पुलिस है तो यहां पर ये किससे बनेगा लेट से देखिए दा दा से बनना हटा दीजिए दो तो आपके ऐसी हट गए अब बचा क्या थर्ड और फोर थर्ड और फोर की अगर अपन बात करें तो ये लेट द पुलिस बी नहीं लगाया थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये हटा दीजिए बी नहीं है थर्ड फॉर्म भी नहीं है तो ये हटा दीजिए आंसर क्या बचा आपका फोर अब एक ऑप्शन बचा है वो तो होगा ही होगा तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ठीक है चले आगे अगर, अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन में तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है लेट मी डू दिस लेट मी डू दिस है तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट सेकेंड ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट सेकेंड अब आपको पता है सेकेंड वाला पहले आएगा और मी बाद में लेट दिस बी डन बाय मी तो ये लेट और ये दिस ये दोनों अट गए आंसर क्या हो गया थर्ड आंसर क्या हो गया थर्ड कोई रट्टा नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि याद क्या हुआ सभी क्वेश्चन पीपीटी बनकर आती है और उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाता हूं। तो मैं भी आपके साथ ये क्वेश्चन खुद कर रहा हूं बस अंतर इतना समझिए कि आप में और मेरे में अंतर केवल इतना है कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं करके बैठा हुआ बस इतना अंतर है और जाना कोई अंतर नहीं है लेट हिम लेट हिम सी द पिक्चर हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट आपके साथ ही कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को ठीक है ना तो यहाँ पर लेट द पिक्चर बी सीन बाय और पिक्चर है see, is नहीं आएगा पिक्चर बी सेम हिम तो उधर जाएगा और इसने क्या किया हिम से ही बना दिया तो ये भी नहीं होगा इज नहीं आएगा क्योंकि इम्पेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं करते तो तीनों तो ये हट गए आंसर क्या बच्चा फर्स्ट और अगर आप मुझे इसको बनाने के लिए कहते तो भी मैं बना देता लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम तो आपके साथ ही मैं इन क्वेश्चनों को कर रहा हूं ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि रट के बैठे होंगे या अन्य चीजें सभी क्वेश्चन आपके साथ मैं भी लाइव ही अटैच कर रहा हूं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ा जाए देखें अगर अगला क्वेश्चन देखे डू नॉट इंसल्ट एम ये कैसा हो गया निगेटिव ये क्या हो गया निगेटिव तो आप निगेटिव भी ढूंढोगे लेट हिम not be is ठीक है let ही हिम का ही नहीं बनेगा हटा दीजिए ये भी not बीच में नहीं आएगा not ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो ये भी नहीं होगा आंसर क्या हो गया सेकंड आंसर क्या कहलाएगा सेकंड आंसर क्या कहलाएगा सेकंड समझ रहे हो बात को ठीक है तो ये अपन ने एसएससी के जो क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन थे इसमें अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है बॉयज का ठीक है जो बॉयज का टॉपिक चला धीरे धीरे करके ये सभी इंग्लिश जो है वो आपके बैंक में है डिफेंस में है ठीक है इसके अलावा एस तो अपन कर ही रहे सभी में काम आएगी तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो पहली बार जो वीडियो पर आए और साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो और बच्चों को इन्फॉर्म करें और जुड़े और प्रत्येक दिन रात आठ बजे ठीक है आठ बजे एट पी लाइव क्लास ली जाती है ताकि एस के जो बच्चे जिनका कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या इंग्लिश की वजह से कहीं रह जाते हैं ताकि उनकी क्या हो सके हेल्प हो सके उनके भी क्या हो सके हेल्प हो सके तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर आए और इंग्लिश पढ़े रोज रात को आठ बजे आपको लाइव स्टार्ट की जाएगी धीरे धीरे करके आपको बुक भी समझाया जाएगा पूरा बुकैब के अलावा वन वर्ड है इसके अलावा एडियम एंड फेरेजेज है ठीक है और ये अलग ही बिल्कुल अलग ही अंदाज में चलेंगे अपन कोई रटने की जरूरत नहीं है जब तक इनको रटोगे कभी नहीं समझ पाओगे कभी याद नहीं होगी आप मस्त मौज, मौजी होकर इनको समझिएगा कि बुकेब कैसे याद करना है बनबड़ देखिए टीचर को अगर पढ़ाना आता है तो उसको सब पता है कि कैसे बच्चों के माइंड में इसको पिक कराना है कैसे याद कराना है तो आप बने रहिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपको पढ़े आठ बजे लाइव क्लास लेता हूँ आपका काम केवल इतना है लाइव क्लास में जुड़ना है और आपको इंग्लिश अच्छी करना है तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा बताइए कमेंट करके कैसा है बेटा आप लग सब लोगों का सेशन समझ आया आप शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स हो उनको भी जोड़िए ओके बेटा गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बेटा गुड नाइट सबको गुड नाइट मस्त रहो खुश रहो आगे बढ़ते रहो